हेलो दोस्तों, मैं विकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ट्रेन यात्रा पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ट्रेन नंबर 18639 आरा से चलकर रांची को जाने वाली आरा रांची वीकली एक्सप्रेस के बारे में, जो कि जाती है वाया गया बोकारो। जानेंगे इस ट्रेन की सारी जानकारी, इसके कितने हॉल्ट हैं, कहाँ कहाँ रुकती है, सब बात करेंगे एक छोटे से इंट्रो के बाद। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर रेल यात्रा से पहले एक बार हो जाए ट्रेन यात्रा। दोस्तों 18639 आरा रांची वीकली एक्सप्रेस एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इस ट्रेन की देखरेख साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन अपने अंदर करती है। हरी झंडी दिखाया गया था इसी साल 1 मार्च 2019 को। ये एक वीकली ट्रेन है। ये ट्रेन आरा से हर रविवार को खुलती है रांची के लिए। 515 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस ये ट्रेन अपने 11 घंटे 50 मिनट पूरा करती है। इसके आरा से लेकर रांची तक 6 हॉल्ट आते हैं। 43 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से अपनी यात्रा पूरी करती है। लोकल रिवर्सल होता है सासाराम जंक्शन में। रूट के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन आरा से खुलकर सासाराम, गया, गोमो, बोकारो होते हुए रांची तक जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है इस रूट पर चलने के लिए, जो यात्री इस रूट पर चलते हैं, जो यात्री वाया आरा से वाया सासाराम रांची तक जाते हैं। इस ट्रेन में कोई पैंट्री कार का सुविधा नहीं है, क्योंकि सिर्फ यह अपनी यात्रा 11 घंटे में पूरा करती है। तो इस ट्रेन में कोई पैंट्री कार कोच नहीं है, ना ही इसमें कोई ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा मिलेगी, ना ही आपको इसमें ई कैटरिंग की सुविधा मिलेगी। लोकोमोटिव की बात करूँ तो इस ट्रेन में आरा से लेकर रांची तक सहरसा साइड का WAP4 लोकोमोटिव यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक वाला। इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खींच के ले जाता है आरा से रांची तक। अब बात करते हैं आरा रांची एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, इसका कितना किराया है आरा से रांची तक का, इस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं। दोस्तों इस ट्रेन में अभी ICF CBC रेक यूज़ हो रहे हैं। इस ट्रेन में थर्ड एसी क्लास का एक डब्बा होता है, जिसका किराया है आरा से रांची 825 रुपये पर पर्सन। वहीं इस ट्रेन में स्लीपर के डब्बे होते हैं 6। आरा रांची में स्लीपर के 6 ही डब्बे हैं, जिसका किराया है 305 रुपये पर पर्सन आरा टू रांची। वहीं इस ट्रेन में जनरल के डब्बे होते हैं 5, जिसका किराया है 155 रुपये पर पर्सन आरा टू रांची। दोस्तों ये अपडेटेड किराया नहीं हो सकता है, अपडेटेड किराया जाने के लिए रेलवे की वेबसाइट या उनके टिकट काउंटर पर एक बार कंफर्म करें। अब बात करते हैं आरा रांची वीकली एक्सप्रेस के टाइम टेबल रूट हॉल्ट के बारे में, कब अपने स्टेशन पहुंचती है, कब वहाँ से डिपार्ट करती है, कितने मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों ये ट्रेन आरा से हर रविवार को सुबह में 10 बजे खुलती है रांची के लिए। अब आरा रांची वीकली एक्सप्रेस इसके बाद पहुंचती है सासाराम जंक्शन सुबह में 11:45 पर। सासाराम जंक्शन में इसका लोको रिवर्सल होता है, यहाँ पे इसका 25 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 12:10 पर सासाराम के से रवाना होती है रांची के लिए। अब ये पहुँचती है गया जंक्शन दोपहर में 2:20 पर। गया में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। दोपहर में 2:25 पर गया के प्लेटफॉर्म में 2 से रवाना होती है रांची के लिए। अब ये पहुँचती है कोडरमा जंक्शन शाम के 3:48 पर। कोडरमा जंक्शन में इसका 3 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 3:41 पर कोडरमा से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 3 से। अब ये पहुंचती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो शाम के 5:20 पर। गोमो में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 5:25 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 2 से। अब ये पहुंचती है बोकारो स्टील सिटी शाम के 6:40 पर। बोकारो में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। शाम के 6:45 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 2 से। अब ये पहुँचती है मुरी जंक्शन रात में 8:10 पर। मुरी में इसका 5 मिनट का हॉल्ट है। रात के 8:15 पर यहाँ से रवाना होती है प्लेटफॉर्म 2 से। अब आरा रांची वीकली एक्सप्रेस अपने डेस्टिनेशन पहुँचती रांची जंक्शन रात में 9:50 पर पहुंच जाती है अपनी 515 किलोमीटर दूरी तय करके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।